हाँ जी, तो अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नोटेशंस के बारे में कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा था कि अगर हमने कि ऑपरेंड्स कोई जो ऑपरेटर है उसको तीन तरह से लिखते हैं हम लोग, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में है, ऑपरेटर ऑपरेंड्स से पहले है और ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में। ठीक है, ये सिंपल बीच में आता है तो इनफिक्स नोटेशन कहा जाता है इसको, पहले आता है तो प्रीफिक्स नोटेशन कहा जाता है इसको, बाद में आता है ऑपरेटर उसको क्या कहा जाता है, पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, यही बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। अब ये जो नोटेशंस बनाई थी ये एक पोलैंड के साइंटिस्ट ने बनाई थी, मैथमेटिशियन था वहाँ का, तो इसीलिए इनको हम लोग पोलिश नोटेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब पोलिश नोटेशंस में ये क्या कहता है कि जब हमने प्रीफिक्स नोटेशन फॉर्म में लिखा, इनफिक्स तो ठीक है हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल है। ठीक है, प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोलिश नोटेशन। जब हम लोगों ने पोस्ट फिक्स फॉर्मेट में लिखा उसे हम लोग रिवर्स पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पोलिश नोटेशंस के बारे में। ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग इवेल्यूएट करेंगे, स्टैक्स का यूज़ करके हम लोग इन एक्सप्रेशंस को इवेल्यूएट करेंगे अगले अगली एल्गोरिथम।